नमस्कार सर okay. नमस्कार नमस्कार तो आज टुडे वी डिस्कस अबाउट द एथिकल ऑफ़ यूजिंग एआई इन एजुकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ठीक है तो आज इसके अलावा हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एआई आई टूल चैट ए आई टूल से उसको करेंगे उसके बाद हम प्रॉम्प्ट राइटिंग का स्किल के बारे में थोड़ा सीखेंगे ठीक है तो जितने भी लोग हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नो अबाउट द एथिकल कंसिडरेशन एग्जैक्टली वॉट इज एथिकल कंसिडरेशन ठीक है think, sir, exactly ना तो थोड़ा सा एथिकल कंसिडरेशन डिस्कस करेंगे उसके बाद उसके बाद एजुकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है क्या एस्पेक्ट है क्या बेनिफिट्स है क्या uh, क्या चैलेंजेस है वो सारी चीजों के बारे में थोड़ा थियोरटिकल हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीचिंग हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में ए आई टूल्स को हम हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे ठीक है ना तो बिना विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं लोग तो थोड़ा कम भी आए हैं अभी लेकिन टाइम इज सिक्स थर्टी थ्री आई थिंक तो हम लोगों को शुरू करना चाहिए लोग जुड़ते रहेंगे कोई बात नहीं है ठीक है और जो लोग नहीं आ पाएंगे तो हम उसके बारे में फिर बाद में uh, उनको कर देंगे ठीक है तो अब हम क्या कह रहे हैं हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली हमारा जो टॉपिक है एथिकल ठीक है पर है तो आई थिंक द मोस्ट ऑफ द पीपुल्स आर नो अबाउट एग्जैक्टली वॉट इज द एथिकल कंसिडरेशन जब हम लोग कोई रिसर्च करते हैं मैंने बोल वी आर डूइंग एनी रिसर्च वी गेट द वन टॉपिक द एथिकल कंसिडरेशन एथिकल कंसिडरेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

रिसर्च का भी होता है और उसी प्रस्पेक्टिस में हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का यूज करते हैं तो वहां भी एथिकल कंसिडरेशन इज मोस्ट मोस्ट एंड विम्पोर्टेंट टर्म ठीक है तो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट के एग्जैक्टली व्हाट इज द एथिकल कंसिडरेशन ठीक है तो एथिकल कंसिडेशन क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें इंट्रोडक्शन है उसके बाद डेफिनेशन उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो अब हम देखते हैं कि एथिकल इश्यू क्या है एथिकल कंसिडरेशन क्या है दथिकल एथिकल अः तो सॉरी फॉर इंटरप्शन तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना बेसिकली हम लोग एथिकल एथिकलेशन की बात कर रहे हैं ना और एथिकल कंसिडरेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट uh, डिफरेंट की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं बहुत ज्यादा ब्रीफली इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली व्हाट इज द द्ट इज एथिकल कंसिडरेशन है ना तो एथिकल इश्यूज इन एजुकेशन रिसर्च आर सेट ऑफ द प्रिंसिपल दैट द गाइड रिसर्च डिजाइन एंड प्रैक्टिस ठीक है ना तो ये क्या करता है प्रिंसिपल से एक सेट ऑफ द प्रिंसिपल से है ना एक नियम से लॉ है जो क्या करता है द रिसर्च एंड डिजाइन प्रैक्टिसेस आपकी रिसर्च की डिजाइन और प्रैक्टिसेस क्या होगी कैसी होना चाहिए वो चीज को एक प्रिंसिपल है एक नियम बताता है हमें एथिकल कंसिड्रेशन ठीक है दिस प्रिंसिपल इंक्लूडिंग वॉलेंट्री आपकी अपनी मर्जी ठीक है ना इन्फॉर्म द कंसेंट आपके अपने कंसेंट के बारे में इन्फॉर्म करना एनोमिटी कॉन्फिडेंशियली एंड पोटेंशियल ऑफ द हार्म एंड रिजल्ट कम्युनिकेशन है ना किसी तरह का कोई नुकसान ना हो ज्यादा से ज्यादा हमें हमें उसका क्या हो हम कॉन्फिडेंशियली मतलब ये हमारे अंदर एक एक कॉन्फिडेंट चीज होनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए ठीक है ना तो वो सारी चीजों को हमें क्या करता है ये बताता है लेकिन एथिकल कंसिडेशन आर द इम्पोर्टेंट टू द प्रोटेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इनहेंस रिसर्च वैलिडिटी एंड में तो ये क्या है इंपोर्टेंट टू प्रोटेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो एथिकल एस जो का यूज कर रहे हैं वो सारी चीजों को क्या करता है सिग्निफाई करता है कॉमन टाइप ऑफ द एथिकल इश्यू इन द रिसर्च इन द स्टडी डिजाइन एंड एथिकल अप्रूवल डाटा एनालिस ऑथरशिप कंफ्लिक ऑफ द इंटरेस्ट रीड एंड पब्लिकेशन प्लेज और डिस्सेप्शन पार्टिसिपेंट्सिंग अ वेल्युएबल ग्रुप और हु कैन नॉट द कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेश अन्फिडेंशली ड्यू टू द स्मॉल पार्टिसिपेंट टू टूल ठीक है तो ये क्या करता है कॉमन टाइप ऑफ द एथिकल इश्यूज क्या है रिसर्च इनक्लूड स्टडी डिजाइन एंड एथिकल अप्रूवल होता है डाटा एनालिसिस होता है ऑथरशिप होता है कंफ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट होता है ठीक है ना पब्लिकेशंस की प्रॉब्लम होती है और प्लेयरिज्म का भी प्रॉब्लम होती है सारी चीजों में हमने क्या करना होता है हमें एथिकल को यूज करना पड़ता है ताकि हम अपने तरफ से एक ईमानदार होना चाहिए कि जो 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 हम जो हम हम रिसर्च 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 कर कर रहे रहे हैं हैं वो ईमानदारी से हमने कहीं से चोरी तो नहीं की है हमने कहीं से किसी का अनएथिकल सोर्सेस को यूज तो नहीं किया है ठीक है तो रिसर्चर मस्ट एडियर टू द सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है ना क्या है सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट ओ का, मतलब का फॉलो करता है कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द एथिक्स कमेटी ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टडीज इन्वॉल्विंग पीपल मेडिकल रिकॉर्ड एनोनिमाइज्ड ह्यूमन टिश्यूज एथिकल कंसिडरेशन आर द क्रिशियल to ensure that the research is reliable credible and conducted by the respect of all involved parties to waha par kya hota hai there is a a certain type of the code of conduct is here तो जब हम कोई डाटा को कलेक्ट करते हैं कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ा क्या करना होता है कि हम गए किसी सिचुएशन में हमने ऐसे ही ले लिया लोग से बात की इससे बात की ऐसा किया वैसे ही आ, चोरी कर ली हमने डाटा की वो नहीं होने चाहिए क्या होने चाहिए देयर शुड बी अप्रूवल ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशन ठीक है ना इंस्टीट्यूशन रिव्यू द बोर्ड ऑफ द एथिक्स कमेटी रेस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टडीज इन्वॉल्विंग पीपुल जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो ठीक है या ह्यूमन इश्यूज हो या कोई सा भी डाटा आपके पास हो तो क्या होना चाहिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंसिडरेशन जरूरी है यानी उसका अप्रूवल जरूरी है विदाउट उसके अप्रूवल अगर आप कोई काम करते हैं तो वो अनएथिकल कैटेगरी में आता है तो एथिकल कंसीडरेशन आर द क्रूशियल टू इंश्योर रिसर्च रिलायबल होना चाहिए ठीक है वो जो एथिकल कंसीडरेशन ये 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 मतलब पूरा तरह से कंफर्म कर देता है कि रिसर्च इज रिलायबल क्रेडिबल क्रेडिबल एंड कंडक्टेड विद द रेस्पेक्ट ऑल इन्फो इनवॉल्व पार्टीज यानी वो जो रिसर्च की गई है वो सब लोगों को मिलाकर रिसर्च की गई है सारे फैक्ट्स को मिलाकर रिसर्च की गई है सारे डाटा को कलेक्ट करके कर रिसर्च की गई है ठीक है तो वो क्या है तो वहां पर क्या होता है एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट इज ठीक है तभी हम लोग क्या करते हैं एथिकल कंसिडरेशन को आ, कर पाते तो ये क्या ये एक एथिकल कंसिडरेशन है ठीक है एथिकल इश्यूज इन एजुकेशन एथिकल कंसिडरेशन इंपोर्टेंट प्रोटेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट वो सारी चीजों को बताता है अगर हमारा रिसर्च रिसर्च में एथिकल नाम का कोई वर्ड नहीं होता है तो वो वो जो रिसर्च होती है वो बेमानी होती है ठीक है इसलिए हमें एथिकल कंसिड्रेशन को बहुत ही यूज करें अब ये क्या है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एथिकल कंसिड्रेशन तो अभी हमने क्या किया अब तो इसके मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है ethical considerations के वो थोड़ा सा तो होनी चाहिए देयर आर द फंडामेंटल वैल्यूज एंड गाइड योर बिहेवियर सच एज ऑनेस्टी फेयरनेस एंड कंपेस है ना तो क्या होने चाहिए मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए आपके अंदर आपको आपका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए आप ईमानदार होना चाहिए आप फेयरनेस होना चाहिए और कंपेशन होना चाहिए ये सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए ठीक है ना फिलोसफिकल फ्रेमवर्क डिफरेंट स्कूल ऑफ द थॉट लाइक द दूटिलिटरेज और और डिटोलॉजी ऑफ द डिफरेंट बेस ऑफ एचिकल डायल तो क्या होना चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिस तरह से आप रिसर्च करते हैं

का यूज करना चाहिए का यूज करना चाहिए इम्पैक्ट ऑन अदर्स वी मस्ट कंसीडर हाउ आवर एक्शन अफेक्ट अदर्स वो द डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली द स्ट्राइव टू द मिनिमाइज हार्म एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट ठीक है तो इसलिए क्या था है इम्पैक्ट ऑफ द अदर्स पे होना चाहिए है तो इसमें क्या होना चाहिए जब जब इम्पैक्ट ऑफ द अदर्स होगा तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हाउ अफेक्ट अदर्स जो हम कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं है, ऐसा तो नहीं है कि जो हम किसी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं मतलब उसको जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें उसको बहुत खराब लग रहा है तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए हमेशा बोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली The type to the harm and तो कम से कम नुकसान हो ज्यादा से ज्यादा हो ठीक है डिग्निटी ऑल इंडिविजुअल डिजर्व टू ट्रीटेड विद द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी रिगार्ड लेर बैकग्राउंड और बिलीव यानी हमें क्या करना चाहिए जो भी हो उसकी डिग्निटी का क्या करना चाहिए रेस्पेक्ट करना चाहिए उसका आदर करना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए ठीक है ना कोई भी चीज होगा उसका क्या होना चाहिए हमें सम्मान करना चाहिए चाहे किसी का कोई बैकग्राउंड हो चाहे कोई बिलीफ हो है ना हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं मतलब हमने किसी भी बात पे झगड़ा कर लिया है ना या कोई उसकी उसका रेस्पेक्ट नहीं किया तो ये क्या होना चाहिए मतलब एकदम ट्रीटेड विद विदेक्टेड एंड डिग्निटी के साथ जिसके पास हम जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी टू द एंड दर एंड वी शुड बी ओपन द अबाउट अवर चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ठीक है ना क्या होना चाहिए हम लोग अपने अपने लिए हम अपने लिए अपना जमीर कह रहा है हमारा मन कह रहा है कि हम ईमानदार हैं तो अपने हिसाब से ये नहीं हो कोई दूसरा पूछेगा आपने डिफॉल्ट किया है उसके बाद एग्जामिनर कहेगा कि भाई ठीक है आप ऐसा मत कीजिए लेकिन हमें क्या करना होगा वी शुड ऑनेस्ट ठीक है या अपनी चॉइस से ऑनेस्ट होना पड़ेगा जो कुछ कर रहा है करने दो लेकिन अपनी चॉइस से क्या होना चाहिए अपनी अपनी चॉइस से क्या होना है हमें ऑनेस्ट होना है ठीक है तो ये क्या है स्पेक्ट ऑफ एथिकल कंसिडरेशन के ठीक ना इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं uh. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे एथिकल 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 के के बारे बारे में हमने कर लिया एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ ऑफ द द डिफरेंट ठीक है ना तो अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो एथिकल कंसिडरेशन है तो इसकी डेफिनेशन क्या है है ना इसे कैसे डिफाइन करना है क्या करना है तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने इस एथिकल कंसिडरेशन को यूज किया है, है ना तो बहुत सारी सिंपल एथिकल कंसिडरेशन है और दूसरा हमारा एजुकेशन से रिलेटेड क्या है एथिकल कंसिडरेशन है ठीक है ना तो क्या डिफाइन किया एथिकल किसने डिफाइन किया दंसिडरेशन आर ए सेट ऑफ द मोरल मोरल प्रिंसिपल्स गाइडलाइन एंड वैल्यूज दैट इंफ्लोर हाउ बी आउट टू एक्ट इन सिचुएशन ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स फिफ्थ एडिशन में बैक्म एंड चिल्ड्रेस ने 2000 में एक डिफाइन किया एथिकल एथिकलेशन को एथिकल कैसे डिफाइन किया उन्होंने कहा कि ये मोरल प्रिंसिपल्स है गाइडलाइंस है और वैल्यूज है जो हमें क्या करता है हाउ वी आउट टू हमें बताता है कि हम दूसरे लोगों के साथ या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें ठीक है ना तो एथिकल कंसिडरेशन दूसरा है जेम्स जेम्स रेचलेस ने 2022 में है ये डिफाइन किया एलिमेंट्री ऑफ द मोरल फिलोसफी एंड फोर्थ एडिशन में बताया कि एथिकल कंसिडरेशन अबाउट वॉट इज राइट एंड एंड रॉन्ग दैट एराइज इज द कोर्स ऑफ द मेकिंग डिसीजन तो क्या होता है उन्होंने कहा कि जो एथिकल एथिकलेशन है हमारी जमीर की आत्मा की जो हमारी आत्मा होती है हमारा जमीर होता है उसके है उसके डिसाइड करता कि क्या सही का इस्तेमाल कर रहे हैं हम क्या गलत का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है ना तो हमारा क्या है जो कोर्स ऑफ द मेकिंग डिसीजन उसी के आधार पर हम करते हैं कि हम क्या क्या है? हम अपने रिसर्च में या किसी काम में अच्छा या बुरा कर रहे हैं ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता ये हमारा जो मन है वो हमारी आत्मा है वो बताती है एथिकल अब जो जो थर्ड uh, डेफिनेशन uh, वो क्या है एथिकल कंसिडेशन आर दो रिलेवेंट टू दर्स्यूट ऑफ द जस्टिस अंडरस्टूड एज ए फेयरनेस एंड इक्वल रेस्पेक्ट ऑफ द ऑल पर्सन एथ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स ने 1971 में इस डेफिनेशन को दिया था उन्होंने कहा कि एथिकल कंसीडरेशंस आर दोज रिलेवेंट टू द पर्स्यूड ऑफ द जस्टिस जो अंडरस्टूड एज ए फेयरनेस एंड इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल पर्सन ठीक है ना तो सारे लोगों को समानता दे है ना जो सर्चिस दे जस्टिस दे वो क्या है वो एथिकल कंसीडरेशन है ठीक है ना तो अब हम आते हैं अब हमने जो सिंपल जो एथिकल कंसीडरेशंस के बारे में लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो एजुकेशन एजुकेशन जो एआई इन एजुकेशन है उसका एथिकल कंसीडरेशंस की डेफिनेशन किस-किस ने दिए और क्या-क्या दिए ठीक है तो यूनेस्को ने 2022 में यूनेस्को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन टुवर्ड द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक डिफाइन किया एथिकल कंसीडरेशंस को इन पर्सपेक्टिव्स ऑफ एआई इन एजुकेशन तो उन्होंने क्या कहा द एथिकल कंसीडरेशन इज द using AI in education refer to the moral and philosophical principle that should guide development, deployment and use of AI technologies in education setting. These considerations include what are not limited to the fairness, transparency, data privacy, accountability, and non-discriminations. ठीक है तो इनस्को ने क्या कर दिया है इनस्को ने एकदम तो बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया कि जो हम एथिकल कंसिडरेशन इन यूजिंग ए आई ए आई इन एजुकेशन वो क्या करता है मोरल एंड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है देर शुड गाइड द डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट यानी डेवलपमेंट को भी और डिप्लॉयमेंट को भी एंड यूज ऑफ द ए आई टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेटिंग

2022 में ए फ्यूचर ऑफ द प्राइवेसी फॉर्म प्राइवेसी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन में डिफाइन किया कि एथिकल कंसीडरेशन इज यूजिंग एआई इन एजुकेशन इंक्लूड द कलेक्शन यूज एंड शेयरिंग ऑफ द स्टूडेंट डाटा पोटेंशियल ऑफ द एल्गोरिथम्स वाइज ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम and impact of ai on students

इन यूजिंग ए आई इज द एजुकेशन आर पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन का जो शेप है और डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन तो क्या है यानी कि उन्होंने कहा कि जो हम यूजिंग ए आई इन एजुकेशन आर अ पार्टिकुलर इंपोर्टेंट बिकॉज द एजुकेशन शेप एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ठीक है इसीलिए क्या है जो फ्यूचर जनरेशन का डेवलपमेंट है वो क्या डिपेंड करता है वो उसके पार्टिकुलर एथिकल कंसीडरेशन पर डिपेंड करता है वी मस्ट इंश्योर दैट एआई यूज इन द वे दैट द प्रमोट सिक्योरिटी एक्सेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल रादर देन एक्सरबेटिंग द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज एंड रीइंफोर्सिंग हाउ हार्मफुल बेस बायसेस तो इसने क्या किया उन्होंने कहा कि जो Uh, जो वी मस्ट इंश्योर यह हमें इंश्योर होना चाहिए कि इन एक्सेस एंड harmful biases तो इस तरह से उन्होंने क्या किया एलन ने इसको डिस्क्राइब किया ठीक है ना तो इसको क्या डिस्क्राइब किया तो ये क्या हो गई ये ये क्या है definitions of the ethical considerations you know? so we can understand in uh, essence of the these, uh, uh, these definitions the ethical considerations are the set of the moral principle guideline and values. this is the in, in the one sentence we can say the ethical considerations are the set of the moral principles and guideline and values. जो क्या करता है जो हमको हमारी अंतरात्मा होती है अंतरात्मा होती है उसको क्या करता है उसको झगोड़ता है कहता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो तो ये आपको ही पता होता है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो कहीं से डाटा चोरी कर रहे हो क्या अपने अपने पास से डाटा को ले रहे हो तो ये सारी चीज़ क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें जब एथिकल कंसिडरेशन को समझना पड़ेगा समझना होगा जब हम समझेंगे एथिकल कंसिडरेशन को तो इसमें हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एथिकल कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है किस ऑथर ने किस बुक ने एथिकल को किस एथिकल कंसिडेशन को किस तरह डिफाइन किया है एथिकल कंसिडरेशन तो एक ट्रेडिशन मेथड हो गया जो मैंने आपको जो तीन तीन जो पहले की ये जो डेफिनेशन है और दूसरी जो मॉडर्न है यानी जब ई का नाम आता है जब ए आई में हम एथिकल कंसिडरेशन की डेफिनेशन का बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ए आई जो है अभी रिसेंटली डेवलपमेंट का डेवलप हुआ है तो इसीलिए जो जब डेवलप हुआ है तो 2000 में 2018 में फुल जो भी ऑथर्स है जो भी बुक्स है जो भी ऑर्गेनाइजेशन uh, है उन्होंने एक सेट कर दिया एथिकल कंसिडरेशन की डिफाइन कर दिया कि इसकी क्या क्या प्रस्पेक्टिव्स है लेकिन एक्चुअली है बस ट्रेडिशनल की ही तरह लेकिन इसको थोड़ा सा एआई से मिला के इसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है ठीक है ना तो अब दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे हम दूसरी चीज करेंगे हम दूसरी चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो है बिहेवियर ऑफ द अनएथिकल यूज इन एजुकेशन अब हमने क्या कहा कि ठीक है ये तो एथिकल्स की बात कर ली लेकिन अब अनएथिकल जो काम हो रहा है उससे हमें किस तरह से खबरदार रहना चाहिए ठीक है ना तो हमें जो बीबीआर ऑफ़ द अनएथिकल ए आई यूज इन एजुकेशन उसने क्लियर कर दिया कि भाई आप जो अनएथिकल चीजों का इस्तेमाल करेंगे आप अपने अपने अपनी रिसर्च में अपनी एजुकेशन में वो क्या है उससे आपको खबरदार रहना है ठीक है ना उससे होशियार रहना है तो वेन द एथिकलेशन आर द नेग्लेक्टेड इन यूज ऑफ इन एजुकेशन सेवरल निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज कैन एराइज इम्पैक्टिंग स्टूडेंट टीचर एंड एजुकेशन सिस्टम एज ए होल ये आर सम पोटेंशियल आउटकम ठीक है ना तो उन्होंने कहा कि ठीक है जब हम तो पर क्या होता है बहुत सारे निगेटिव चीजें आ जाती है उससे क्या होता है उससे इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पर टीचर्स पर और, और किस पर और द इंटायर एजुकेशन पर जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम है उस पर करता है तो यहाँ पर पांच पॉइंट्स को हम बहुत ब्रीफली बहुत जल्दी से हम लोग इस पांच पॉइंट को समझ लेते हैं कि अनएथिकल यूज ऑफ ए का क्या है ठीक है ना एक्सर्बेटेड इन इक्वालिटी इसमें क्या है एल्गोरिथिमिक एल्गोरिथिमिक बायस है और डिजिटल डिवाइडेड तो एल्गोरिथिम बायस क्या है भाई जब हम ए का यूज करेंगे तो वहां पर हमारा एक वर्ड आ जाएगा क्या हो जाएगा एल्गोरिदिम एल्गोरिदमिक बाइस Without the addressing bias in the AI algorithm, existing inequalities based on the race, gender, socioeconomic background, and learning style can be amplified. Imagine biased AI recommendation channe channeling certain student toward the less rigorous track of the perpetuating negative story stereotype.

असर पड़ेगा जो स्टूडेंट्स होंगे डिजिटल डिवाइडेड वो क्या कर देगा डिजिटल डिवाइडेड को लेक ऑफ द एथिकल कंसिडरेशन अराउंड द एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी पुट बेड इन द डिजिटल डिवाइडेड लीविंग मार्जिनलाइज ग्रुप फर्दर बिहाइंड इमेजिन एआई आई पावर लर्निंग टूल एक्सर्बेटिंग द गैप बिटवीन द स्कूल एंड गुड रिसोर्स इज द स्ट्रेंथ तो क्या होगा वहां तो का डिजिटल क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यानी कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको वो चीज़ मिल नहीं पाएगी और जो अमीर लोग हैं वो क्या होगा उनके पास वो सारी चीज ए आई पावर लर्निंग टूल्स क्या हो जाएंगे उनके पास अवेलेबल होंगे और जो गरीब लोग हैं जो जो कैपेबल नहीं है इस करने के लिए उनके पास क्या होगा उनके पास उनके पास वो सारे टूल्स अब अवेलेबल नहीं होंगे प्राइवेसी वायोलेशन एंड एक्सपोटेशन दिस इज दर ऑफ दिसलिजेंस इन द डाटा इमेजिंग क्या इमेजिंग करना है पर्सनल डाटा फॉलोइंग इन द रॉन्ग हैंड लीडिंग टू द आइडेंटिफाई टारगेटेड एडवरटाइजिंग एक्सर ऐसा होता है बहुत होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है? इसका मिस यूज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लीक हो सकता है डाटा तो इसमें हमें क्या करना है हमें हमें क्या है प्राइवेसी वायलेशन और एक्सप्लोटेशन की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है ठीक है एक्सेसिव डाटा कलेक्शन सर्विलांस अनचेक डाटा कलेक्शन फॉर द पर्सनलाइज कोड क्रिएट ए पैनो पैटिकॉन्स इफेक्ट चीलिंग क्रिएटिव एंड ऑटोनॉमी इमेजिंग स्टूडेंट फीलिंग कंसेंसली मॉनिटर स्टीफिंग दियर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्रेशन ठीक है ना तो क्या हो जाएगा एक्सेस एक्सेस डाटा कलेक्शन एंड सर्विलेंस क्या हो जाएगा तो उसका जो डाटा एक्सेसिव डाटा कलेक्शन हो जाए और क्या हो जाएगा सर्विलेंस पर हो जाएगा तो ये भी एक क्या है ये भी एक अनिडरेशन है दूसरी चीज क्या है दूसरी बात में बीवियर और दूसरा पार्ट है दी ह्यूमेनाइजेशन एंड लॉज ऑफ द ट्रस्ट ठीक है तो क्या होगा इंसान का विश्वास होगा है ना है मानवता ही खत्म हो जाएगी और क्या होगा क्या होगा उसका जो ट्रस्ट है वो खोता जाएगा ओवर रिलायंस ऑन द एआई एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑफ एआई फॉर द ग्रेडिंग फीडबैक एंड डिसीजन मेकिंग कैन डिमिनिश ह्यूमन इंटरेक्शंस द क्रूशियल रोल ऑफ द टीचर तो क्या कर देगा जब हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑफ एआई पर क्या होगा Uh, क्या होगा जब हम ज्यादा यूज करेंगे तो ह्यूमन की जो काबिलियत है उसका इंटरक्शन है वो क्या हो जाएगा और उसका जो रोल ऑफ द टीचर्स का क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा जिस तरह से इमेजिन कीजिए स्टूडेंट लॉजिंग एक्सेस टू तो पर्सनलाइज गाइडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट दैट टीचर्स ऑफर जो तो टीचर्स तो हमें इमोशनल सपोर्ट करता है और गाइडेंस करता है तो उसकी गाइडेंस हमें क्या हो जाएगी नहीं मिल पाएगी ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम्स lack of the transparency in the ai decision making should lead the mistrust and fraud frustrations among the students and teachers imagine not understanding how algorithms access performance creating a sense of the powerlessness and unfair ठीक है ना बहुत सारी गड़बड़ी चीज दे देगा बहुत सारा कुछ और दे देगा उसका एल्गोरिथम ही खराब हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारे एक ट्रस्ट क्या होगा

फिक्स टू दी फाइडीरियंस नेग्लेक्टिंग एसेंशियल स्किल ठीक है वो उससे सारी चीजें लगेगा अपनी लगेगा पर्सनल, पर्सनल तो क्या होगा पर्सनलाइज लर्निंग गॉन रॉन्ग क्या हो जाएगा फिर वो खत्म होती जाएगी अच्छी खराब होती जाएगी कॉमोडिफिकेशन ऑफ द एजुकेशन डाटा ड्राइवन मॉडल प्रोरिटाइजेशन प्रॉफिट कुड बी प्राइज से ब्रॉडर डिपेंडेंट

क्या होगा जब एल्गोरिथम डिजाइन होगा वो आपको बहुत सारी गलत चीजों को देगा आप जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं नहीं मांगेगा ठीक है तो क्या होगा एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम्स क्या होगा डिजाइन टू द मोटिव बैक बैकफायर क्रिएटिंग स्ट्रेथ एनेस एंड सेंस ऑफ द इन 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 द स्टूडेंट इमेजिन the student comparing the themselves or unrealistic AI generative benchmark leading to the demonstrative and self doubt. ठीक <coughs> <coughs> है तो कहने का मतलब ये है इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को यही कह दिया और लास्ट वन इज जॉब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीचर्स तो क्या होगा वाइल AI is unlikely to replace teacher entirely. It could lead to job displacement of the skill. And obsolescence if it are implemented throughout. Imagine teachers feeling pressure to adapt the rapidly changing AI tool, creating anxiety and job insecurity. तो ये तो आजकल चल ही रहा है तो क्या होगा टीचर्स वो बदलना शुरू करेंगे उनके पास प्रेशर होगा कि अरे आज आप नहीं, नहीं नहीं आपको ये सीखना पड़ेगा ये करना पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा अगर आप सीखेंगे नहीं ए आई टूल्स को तो हम क्या करेंगे हम आपको आपको नौकरी को आपको खोना पड़ेगा तो उसके डर से क्या होगा उसके पास एक प्रेशर होगा और इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब होगी ठीक है तो ये क्या है ये जो अनएथिकल यू जो ए का है वो ये है ठीक है ना तो अनएथिकल यूज क्या क्या है हम पांच पांच यूज के बारे में एक्सर्वेटेड इन इन ठीक है ना प्राइवेसी वायोलेशन एक्सप्लोटेशन एंड अनदर वन डी ह्यूमनाइजेशन एंड लॉज ऑफ द ट्रस्ट मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल एंड एंड अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ठीक है ना तो ये क्या है अनएथिकल तो हमेशा इन सारी चीजों से थोड़ा आपको होशियार रहने की जरूरत है है ना तो अब ये क्या है इस तो हमने तो भाई इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डाल लिया, लेकिन क्या ए जो हम लोग यूज करते हैं तो इससे क्या हमें क्या सपोर्ट सिस्टम क्या है ठीक है ना इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है तो ना, न डिस्पाइट द चैलेंजेस ए आई होल्ड द इमेंस पोटेंशियल ऑफ द पर्सन लर्निंग प्रोवाइड टारगेटेड सपोर्ट And automated repetitive tasks freeing up the teachers time for the deeper interactions with the student. There's how to implement AI ethically. Hmm. तो क्या करना है? Choose AI tools carefully. ठीक है? क्या करना है? जो AI tools आप use कर रहे हो, उसको कर, बहुत ज़्यादा carefully क्या करो? उसको select करो. क्या कहा ये चीज़ हम जो यूज कर रहे हैं? तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है डेवलप एक क्लियर एथिकल फ्रेमवर्क और अपने अंदर एक एथिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करना है ठीक है ना इस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड गाइडलाइन अराउंड डाटा कलेक्शन प्राइवेसी एंड रेस्पॉन्सिबल ए आई यूज विद इन योर इंस्टीट्यूशन तो सारे रूल्स को सारे नियम्स को सारे गाइडेंस को आपको क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा और एक इस्टेब्लिश एक पॉलिसीज को पॉलिसीश करना पड़ेगा ठीक है तभी होगा डेवलप ए क्लियर एथिकल फ्रेमवर्क एम्पावर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स प्रोवाइड द ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स ऑन ए आई टूल्स एंड देयर एथिकल इम्प्लीकेशन एनकरेज स्टूडेंट क्लैरिटी क्रिकली एव ए आई इट इज इम्पैक्ट ऑफ दियोर लर्निंग है ना तो क्या करना पड़ेगा एथिकल इम्प्लीकेशन है ए आई टूल्स एंड एथिकल तो हमें क्या करना पड़ेगा टीचर्स को इम्पावर करना पड़ेगा स्टूडेंट को इम्पावर्स करना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा उनको टीचिंग देके मतलब उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि हम लोग जब ए आई का इस्तेमाल करेंगे तो उसके हमारे पास एथिकल कंसिडरेशन का क्या फायदा है और हमें एथिकल कंसिडरेशंस को क्यों यूज करना चाहिए एंगेज इन ओपन डायलॉग फैसिलेटेड डिस्कशन बिटवीन द एजुकेटर स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड कम्युनिटी अबाउट देशन ए आई इन एजुकेशन हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि हम जो एजु हम जो ए आई का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा एजुकेटर्स को बताना पड़ेगा है ना बताना पड़ेगा पेरेंट्स को बना बताना पड़ेगा कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा कि हमारे इसके एथिकल इंप्लिकेशंस ऑफ ए आई इन एजुकेशन के क्या है हमें ये कितना फायदा कर सकता है कितना नुकसान करता है और हम किस तरह से अपनी रिसर्च को करें किस तरह से हम क्लास वर्क में पढ़ाएं क्लास का क्लास मैनेजमेंट के डेकोरम क्या होना चाहिए उसका एथिकल एस्पेक्ट uh, क्या होना चाहिए वो तो सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा उसको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि एथिकल कंसिडरेशन बेसिकली एआई आई इन एजुकेशन का एथिकल कंसिडरेशन क्या है मॉनिटर एंड एविल रेगुलर एक्सेस ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द ए आई टूल इंश्योरिंग दे आर एलाइन एथिकल प्रिंसिपल एंड एजुकेशन को मॉनिटर भी करना पड़ेगा एक कमेटी बनाना पड़ेगी कि ये एथिकल्स जो जो एथिक्स है हमारे स्कूल के एथिकल एथिक्स है उसको गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक है जो प्रिंसिपल जो पॉलिसीज़ हाँ मतलब पॉलिसीज किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बनाई है ए को लेके उस चीज को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है तो क्या है तो मॉनिटर एंड एबिलिटेड भी बहुत जरूरी है उसको हमेशा टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा उसको मॉनिटर करना पड़ेगा तभी तो हमें समझ आएगा कि हम बताना पड़ेगा टीचर्स को बताना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हमें एथिकल कंस्टिट्यूशन का यूज करना चाहिए जब हम कोई ए का इस्तेमाल करते हैं भाई ए आई से फायदे बहुत है तो नुकसान भी बहुत है तो ये क्या है ये बेनिफिट ऑफ द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए आई ठीक है ना अगर आप ए आई का अगर आप इस तरह से यूज कर लेते हैं तो क्या, हो आपको, आपको क्या होगा आप इस तरह से होगा ठीक है ना तो अब क्या है अब दूसरी चीज ये है कि हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया अब हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में ठीक है रेस्मा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हो गए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन क्या है इसका ठीक है ना तो अवार जो हमने एथिकल कंसिडेशनस के बारे में डिस्कस किया तो बेसिकली एथिकल कंसिड्रेश एक पावरफुल जो कहते हैं वर्ड है जब अब जब हम जब हम कोई रिसर्च करते हैं ठीक है थीके? चाहे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं चाहे टीचर्स हैं चाहे स्कूल टीचर्स हैं चाहे यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं जब यूनिवर्सिटी टीचर्स जो होते हैं तो उनको रिसर्च में एथिकल कंसिडेशन्स बहुत अच्छे से लेवल एक-एक चीज को समझाकर पढ़ाया जाता है लेकिन स्कूल लेवल पर सिर्फ हम लोगों का एथिक्स पढ़ाई जाती है वैल्यू मॉरल वैल्यूज को हमें समझाया जाता है तो इसीलिए जो जो एथिकल कंसीडरेशंस हैं एथिकल कंसीडरेशंस क्या है द एथिकल कंसीडरेशंस आर पैरामाउंट व्हेन द लिब्रिजिंग एआई फॉर द एजुकेशन व्हाई अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल

ए आई इज ए आई इज ए टूल एंड जस्ट लाइक एनी टूल्स क्या है ए आई क्या है ए आई एक टूल्स है दूसरे टूल्स की तरह काम करता है इट इज इम्पैक्ट डिपेंडेड ऑन हाउ टू चूज यूज इट ठीक है ना लेकिन अब ये आपको सोचना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके आपकी मोरलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर करता है आपकी आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रास्ता कौन सा चुन रहे हैं गलत रास्ता चुनेंगे चुनते हैं क्या अच्छा रास्ता चुनेंगे गलत रास्ते में हो सकता है बहुत कम टाइम में आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं लेकिन क्या होगा जो अच्छे रास्ते में थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन वो आपको हर चीज एक्यूरेट आपको एकट चीज आपको अच्छा रास्ता होगा आपको एकट चीज भी देगी और आपका अपना एक एक्सपीरियंस भी होगा टिटीद!

राधर देन हिडन यानी हमें ये इश्योर करना है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अपने अपने स्टूडेंट्स को अपने साथियों को किसी को भी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको ए से पावर करें या फिर ए आई की ए से हम क्या क्या हिंडर हिंडर करें ठीक है ना तो उनकी ग्रोथ में क्या करें हम लोग ए को इसे एम्पावर करें या ए से उन्हें बर्बाद करें कहने का मतलब ये ठीक है ना तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है यही एथिकल कंसिडरेशन है ठीक ना पॉसिबिलिटीज ऑफ द वैल्यूज एंड एजुकेशन तो क्या होना क्या करना पड़ेगा हमें हमें जो पॉसिबिलिटीज हैं ए आई वायल द सेफ गार्डिंग हम हमने जो ए आई का इस्तेमाल करना है उस ए आई का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपनी एथिकल वैल्यूज को ठीक है यूज करना पड़ेगा तभी हम एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं हम एक अच्छे टीचर्स पढ़ सक बन सकते हैं और जब एक अच्छा टीचर्स हो जाएगा कोई भी या कोई भी अच्छा टीचर हो जाएगा तो उसके स्टूडेंट भी उसी के रूल्स की उसी पॉलिसी उसी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो एक टीचर्स के लिए एक टीचर्स के लिए

एथिकल कंसीडरेशंस को हमने थोड़ा सा एक ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि एग्जैक्टली एथिकल कंसीडरेशंस के क्या क्या चीज हम लोगों ने डिस्कस की है ठीक है ना तो आज हमने क्या डिस्कस किया है हमने किया है कि क्या है कि वॉट इज द एथिकल क्या है उसमें सारे हमने एथिकल कंसिडेशन को के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस को बताया

छह डेफिनेशन को डिस्कस किया तीन डेफिनेशन ट्रेडिशनली वाली और तीन डेफिनेशंस वो थी जो एकदम एआई इन एजुकेशन्स पर यूनेस्को ने दी है फ्यूचर ऑफ द प्राइवेसी फॉर्म्स ने दिए और एलएन नवंबर 2018 13 ने दिए इसके वाला इसके अलावा हम लोग डिस्क, हमने डिस्कस किया हमने क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया बिहेवियर ऑफ द अनएथिकल यूज ऑफ द क्या किस तरह से जो अगर हम एआई जो एआई टूल्स एआई ए आई यूज इन एजुकेशन यानी ए आई एजुकेशन में ए आई टूल्स का अनएथिकल यूज करेंगे तो उससे हमें कितना नुकसान होगा कितना हार्मफुल हो सकता है वो हमारे लिए इसके बारे में डिस्कस किया ठीक है ना और दूसरी चीज हमने डिस्कस किया कि बेनिफिट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन जब हम एथिक्स का एथिकल को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में अपनी रिसर्च में अपनी टीचिंग प्रोफेशन में तो हमें क्या क्या फायदे होंगे चूज टूल केयरफुली डेवलप ए क्लियर एथिकल फ्रेमवर्क एम्पावर टीचर्स एंड स्टूडेंट इंगेजिंग ओपन डायलॉग एंड एंड मॉनिटर द दिख ठीक है and, and, and ना तो ये सारी चीजें हमने की उसके बाद हमने क्या किया बता दिया कि एक्सैक्टली exactly इसका कंक्लूजन क्या है तो इसके बारे में आप लोगों ने सब समझ लिया सारी चीज के बारे में और आज हम एक ए आई टूल के बारे में डिस्कस करेंगे उस ए आई टूल का नाम है चैट ट्यूब ठीक है जिस तरह से यूट्यूब है वैसे चैट ट्यूब है तो चैट ट्यूब बेसिकली क्या है इन द वास्ट वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट द चैट ट्यूब सर्व सर्व्स एज यूनिक प्लेटफॉर्म For the individual to engage in the real time conversations with the other from the different corner of the globe. Pictures a, a virtual tube where ideas, thoughts, and emotions flow freely, connecting people in an instant, whether you are the seeking advice, sharing a story, or simply by looking for the friendly chat. The chat tube welcome you with the van arms.

देखिए ये चैट ट्यूब का क्या होगा चैट ट्यूब का इंटरफेस खुल के आ गया अब हम लोग समझ लेते हैं इसका देखिए लॉग आउट कर देते हैं हम एक अगर हमने क्या किया हमने एक एक साइड है उसकी चैट डॉट आई यू है ठीक है ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है इसको हमने क्या किया इसको हमने क्लिक किया तो इस तरह का एक इंटरफेस खुल के सामने आया हमारे

टेक एंड गैजेट इंडस्ट्रीज कंटेंट एजुकेशन इंडस्ट्रीज सब में काम आए काम एजुकेट एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स एम्पलीफाई और लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू द ए आई असिस्टेंट डिस्कशन टेलर एक्सप्लोर एजुकेशन कंटेंट एंड सब्जेक्ट ठीक है सारी चीजों के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में ठीक है ना तो ये क्या है ये एक तरह का इंटरफेस है वो प्लान है वो प्लान तो बाद में हम लोग अब थोड़ा प्लान की जरूरत नहीं है हम लोगों को ठीक है ना अब ये एक ये इंटरफेस खुल के आया इंटरफेस में क्या है इसको आप अपना भी क्या क्या फीचर क्या, 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 क्या है इसके ठीक है प्राइसिंग ये है ये है सपोर्ट ये है ठीक है लैंग्वेजेज है यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज में आ जाएंगे हम लोग इंग्लिश में चाहेंगे ये, हम ये करेंगे साइन इन तब हम साइन इन करते हैं यहाँ पर तो हमें क्या होता है इस तरह का इंटरफेस करके आता है कि हमें या तो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है या फिर हमें ये साइन साइन इन साँग इन विद गूगल तो और या फिर उसके बाद अगर हम सबसे पहले है तो हम ये साइन अप अपना साइन अप क्या कर सकते हैं साइन अप में ने आपको नेम देना पड़ेगा ई मेल देगा और पासवर्ड देना पड़ेगा तो आप कर सकते हैं लेकिन लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है सबसे आसान तरीका है इसमें कि आपके पास जो कोई भी आपका ई मेल से जो जी मेल के ई मेल से आपका जो लॉग इन हुआ है तो साइन विद गूगल तो आप क्या कर दो साइन विद गूगल करो साइन गूगल करने के बाद ये आपको क्या करेगा ऑथराइजेशन मांगेगा यहाँ पर आप अपना ईमेल ईमेल पर क्लिक करो ईमेल पर क्लिक करने के बाद क्या होगा ये आपको आपको ये ऑथेंटिकेटिंग करेगा और ऑथेंटिक करने के बाद ये आपका एक ये ये इंटरफेस खुल कर आएगा ठीक है ना तो अब हम इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे ठीक है ये डैशबोर्ड है हम यहाँ यूट्यूब पर, पर करेंगे। तो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा इंटरफेस में ये लिखा है पिन पॉइंट की पॉइंट ट्रांसलेट कंटेंट एंड सो मच मोर तो अब ये काम कैसे करता है किस तरह काम करता है वो चीज समझने की आपको जरूरत है फॉर एग्जाम्पल कि हमने हमने कोई यूट्यूब का जैसे हम ये चाह रहे हैं कि कोई यूट्यूब वीडियो है है ना उसमें बहुत सारा कंटेंट है लेकिन हम उस कंटेंट को सुनना नहीं चाह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है सुनने का और हम चाहते हैं कि एजुकेशन पर्पज से हम उस वीडियो का लिंक यहाँ से क्लिक करें और इस वाले वीडियो को हम क्या करें वीडियो का हम क्या कर लें हम वीडियो का वीडियो को हम टेक्स्ट में बदल लें या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ से इसको जो हमारा जो वीडियो है हमने इस वीडियो का क्या किया हमने इस वीडियो को क्या कर लिया इस वीडियो का लिंक यहां से कॉपी कर लिया ठीक है ना इस इस वीडियो का हमने क्या, क्या है, है. वीडियो है हमने इसका इसका क्या कर लिया कॉपी को ये हमारा वीडियो है हमने इसका एक कॉपी लिंक कर लिया ठीक है ठीक है कॉपी लिंक कर लिया कॉपी लिंक करने के बाद क्या किया हमने कुछ नहीं करना है कॉपी लिंक करने के बाद आपको आपको यहाँ से वन कर देना है और आपको चैट ट्यूब पर जाना है ठीक है ना चैट ट्यूब पर जाना है चैट ट्यूब पे आपने क्या करना है इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस पर गो टू चैट पर क्लिक करना है यानी आपको ये पेस्ट करने के बाद जाकर लिंक ये आपको क्या करना है आपको यहाँ से करना है ये बफरिंग आ जाएगा अब ये क्या कह रहा है अब ये कह रहा है कि ये जो हमारा जो वीडियो था ये वाला वीडियो था हमने इस वीडियो का लिंक यहां पर क्या किया लिंक हमने हमने लिंक किया अब लिंक करने के बाद तो हमें क्या किया सबसे पहली चीज तो यह कि हमें उसने क्या बता दिया कि इस वीडियो में क्या है द वीडियो इज अबाउट द वेबिनार ऑन टूल्स एंड चैट यू पीट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग लेड बाई मिस्टर मोहम्मद रफीक द वेबिनार एम टू एक्सप्लोर दैरियस ए आई टूल्स एंड हाउ दे कैन इनहेंस द टीचिंग प्रैक्टिस लेसन प्लानिंग स्टूडेंट फीडबैक मैनेजमेंट है क्या तो उसके बाद, उसके बाद हाँ। तो अब हमने क्या किया उसने क्या किया उसने पूरा एक हमें यहाँ पर पूरा इसमें जो भी हमने बात की है जो भी हमने डिस्कशन किया है इस, इस वीडियो में वो पूरा डिस्कशन उसने हमें प्रोवाइड कर करके कर दे दिया ठीक है अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस वाले जो इस वीडियो से रिलेटेड हाउ कैन टीचिंग विद हेल्प ऑफ द ए आई टूल्स अब हमने कहा कि हमने कहा कि इसमें ये बताइए कि कैन यू कैन यू कैन ठीक है तो हमने कहा कि भाई दस क्वेश्चन आप कोई बना सकते हो इस 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 वाले मैटर से तो देखो ये क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है कैन यू क्रिएट टेन क्वेश्चन ऑफ ए तो ये क्या कर देगा ए पर ना आपका जो भी इनपुट है जो भी इसमें आप पूछना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं तो वो क्या कर देगा आपको सारी चीजें बनाकर दे देगा और दूसरी चीज ये देखिए देखिए उसके अलावा उसने क्या किया यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं इसको यहां से आप कॉपी कर सकते हैं ठीक है और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये नहीं तो उसने कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हाउ कैन एजुकेटर्स इंटीग्रेट ए आई टू लेसन प्लानिंग इफेक्टिवली तो अब उन्होंने क्या किया लेसन प्लानिंग को इफेक्टिवली कैसे तो अगर आप चाहें तो इस तरह का भी ये ये प्रॉप्ट कर लगा तो ये आपको पूरा कर देगा ये रियल टाइम है जो आपके वीडियो में नहीं है वो वो सारी चीजों को आप

ठीक तो है तो इसमें क्या है तो इसमें क्या है वो सारी चीजें देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटा प्राइवेसी इन अच्छा ये जो हम कह रहे हैं ना इसको आप क्या कर सकते हो इसको आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हो लेकिन जब ये रेडीमेड क्वेश्चन बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है ये आपको रेडीमेड क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा है प्रॉम्प्ट अवेलेबल करा रहे है हाउ कैन ए आई बी अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड केस स्टडी इन एजुकेशन देखिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा हाउ कैन आई एम्प्लाइड से करना है वो सारी चीजें बता देगा सिस्टम है ना सारी चीज को क्या कर देगा आपकी सारी चीजों को सारी जो क्वारीज है आपको उसको है, कर देगा ठीक है आप देखो और क्वेश्चन दे दिए उन्होंने व्हाट आर द की बेनिफिट ऑफ द यूजिंग ए आई टूल एन एजुकेशन सेटिंग हाउ कैन आई आई ए आई टूल्स इनहेंस द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेंट इन द ठीक है ना तो वो सारी चीजों को बता देगा किसी का क्वेश्चन से क्या क्या है? क्या ये इस वीडियो के हिंदी में भी टेक्स दे सकते हैं इंग्लिश वीडियो को और करने का ये बता आपको ठीक है थीखे? अभी बताएंगे ये क्या है आई यू टेकिंग अजय जी अभी बताएंगे आपको है ना इसको हिंदी में देख के हिंदी में, हिंदी में तो दे देगा आपको भी बता देगा हिंदी भी ऐसी नहीं सारी चीजें यूज कर रही है हिंदी ठीक तो अब ये क्या है हाउ कैन ए आई एनहैंस द स्टूडेंट इंगेजमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग वट आर द एथिकल कंसिडरेशन वेन इम्प्लीमेंटिंग ए आई टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ठीक है ना तो अब हम क्या कर रहे हैं हमने कहा कि व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशन अब हम एथिकल आज हम एथिकलेशन की बात कर रहे हैं ए आई एंड टेक्नोलॉजी तो पूरा आपको एथिकल एथिकलेशन के बारे में पूरा एथिकल एथिकलेशन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया और इस डिस्क्रिप्शन को क्या कर सकते हैं यू कैन दस ग्यारह बारह पॉइंट दे रहा है चैट जीपीटी से इस तरह का आप यहाँ से कॉपी करके वहां पर क्या कर सकते हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं व्हाट आर द की बेनिफिट ऑफ द यूजिंग ए आई वट आर द चैलेंजेस इंप्लीमेंटेशन ए आई टू एजुकेशन सेटिंग तो ये सारी चीजों को क्या करता है ये सारी चीजों को आपको क्या करता है आपको ठीक है ना तो ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये समराइज अगर आप चाहते हैं कि भी इसको हमें समराइज करना तो यू कैन समराइज समराइज वीडियो इन टू द लिस्ट ऑफ द की की टेक अवर ठीक है तो क्या कर दिया उसने समराइज कर दिया वीडियो को जो वीडियो में आपको दिया गया था द की टेक टेक अवेज फ्रॉम दीडियो ए आई टूल्स कैन बी भी इफेक्टिव इंटरग्रेट दसिडर ऑफ द Educational resources and topic available. AI in the plan lesson of effectively utilize AI tools, classroom planning and teaching, understanding of the importance of the data privacy, ensure the secure, AI tools offer the personalized learning experience. AI can support language learning, automate grading and create the intelligent content, analyze the student data. AI the progress of the monitoring data, डिसीजन मेकिंग प्रायोरिटीज डाटा प्राइवेसी एंड सेफ गार्ड सेंसेटिव स्टूडेंट स्ट्राइव फॉर ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस ठीक है ना अब इसने ये दे दिया अब हम इससे पूछते हैं कैन यू कैन यू कैन यू राइट ऑल ऑल कैन यू राइट कंटेंट इन

अब जो क्वेश्चन हम हिंदी में पूछना चाह रहे हैं जैसे कि जैसे कि हाउ कैन टूल्स इनहैंस लर्निंग एक्टिविटी आर द फ्यूचर इम्प्लीकेशन ये वाला पूछा हमने ठीक है ना तो देखो ये हिंदी में देता है कि इंग्लिश में देता है हाँ देखिए अब ये पूरा क्या कर दिया उसने शिक्षा में ए आई के संगठन में भविष्य की समनाएं निम्नलिखित हो सकती हैं व्यक्तिगत शिक्षा ए आई के द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा यानी वो सारी चीजों को आपको ये प्रोवाइड कर रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते जो ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा लेबर करना पड़ेगा लेकिन वो ये ए आई ए आई टूल चैट जो ट्यूब है वो क्या कर रहा है आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही आसान है बहुत ही सटीक जानकारी देता और इसके अलावा यही नहीं अगर आप Uh, कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये वाला चलो ये तो uh, हो गया कि कोई भी वीडियो है है ना एग्जाम्पल हम दूसरा कोई वीडियो लेते हैं ठीक है ठीके ना ठीक है दूसरा कोई वीडियो क्या कहते हैं हम लोग लेते हैं हमारा कोई दूसरा वीडियो लेते हैं देखते हैं क्या कहता है इसके बारे में देता नहीं है ठीक है ना तो हम लोग करते हैं uh,

अब हमने ये हमने क्लासरूम मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग एक वर्कशॉप कराई थी अब इस वर्कशॉप का क्या करते हैं गौरीज्ञेंग गौरीज्ञेंग हम लोग इस वर्कशॉप का लिंक क्या करते हैं इस वर्कशॉप का लिंक यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेने के लिए चैट के ऊपर जाते हैं ठीक है ना यहाँ क्लिक करते हैं ठीक है ना तो ये क्या करेगा देखिए आपको क्या प्रोवाइड करता है ठीक है ना अब ये प्रोवाइड करने के बाद उसने पूरा आपको बता दिया ठीक है ना ये ये वीडियो है ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन में देखिए हम जो कह रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल सा नहीं है इसके डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन में क्या है ठीक है ना तो डिस्क्रिप्शन में क्या है डिस्क्रिप्शन में क्या है डिस्क्रिप्शन पे बस ये दिया रहेगा तो अब क्या कर करना है हमें अगर हम चाहते हैं कि भी इसकी इसकी जो क्या है ना इसको चैट को हम क्या करे समराइज एंड चैट इट अब हम इसकी जो वीडियो को समराइज करेंगे और क्या करेंगे चैट करेंगे तो ये क्या कर रहा देखो आपको Brief, brief अब इस वीडियो के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया वीडियो डिस्कस क्लास मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीकी एट द भारत डिजिटल एकेडमी द कंटेंट कवर दटेजी सेटिंग प्रोफेसर सिद्धिकी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दफ़ द क्लासरूम मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग फॉर द बैलेंस अप्रोच इन दीचिंग तो हेलो वांट टू डिस्कस दिस वीडियो इन कंटेंट हाउ कैन टीचर मैनेज द क्लासरूम डायनेमिक तो अब हम इससे कहते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है अब हम इससे कहते हैं कि इंग्लिश में हिंदी में जो वट एवर तुम आप जो चाहते ना वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर देगा ये जो आपकी यूट्यूब में ना रियल टाइम ये क्या ना रियल टाइम कन्वर्सेशन जो आप पूछेंगे आपको जो आप पूछेंगे जो आप पूछेंगे वो सारी चीजें आपको प्रो व्हाट आर द अफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द सपोर्टिंग स्टूडेंट विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज इन क्लासरूम अब आप कह रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन को इस वाले को कैन कैन यू यू राइट इन हिंदी ठीक है आपने कहा कि इस वाले क्वेश्चन को हिंदी में लिख दीजिए तो वो क्या कर देगा कैन यू राइट इन हिंदी वो बता देगा हाँ मैं राइट मैं लिख सकता हूँ लेकिन आप मुझसे पूछिए क्या चाहते हैं आप तो आपको बता देगा कि देखिए आप ये चाहते हो तो आप ये चाहते हो तो वो लिख देगा तो आपको समराइज कर देगा ठीक है कॉपी लिंक कर देगा जी हाँ जी हाँ मैं हिंदी लिख सकता हूँ कृपया अपना सवाल अब हमने सवाल किया व्हाट आर द की फैक्टर ऑफ द कल्टीवेशन स्टूडेंट इंप्रेस आर द एजुकेशन सपोर्ट स्टूडेंट डाइवर्स द काउंसलिंग एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट कैरियर डेवलपमेंट तो वो ये हमें बता देगा हिंदी में इज ठीक है ना तो ये क्वेश्चन का जवाब हमारे छात्रों के विकास और करियर के विकास में योग्यता का महत्वपूर्ण क्यों है छात्रों के विकास और करियर विकास में परामर्श का महत्वपूर्ण योगदान होता है यहाँ कुछ कारण होता है ठीक है तो ये सारी चीजें देखिए रुचि संसाधन जो मतलब इस वीडियो में जो है भी नहीं ना वो एआई टूल्स की मदद से वो क्या कर रहा है वो आपको सारी चीज का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ठीक है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और इसके अलावा अगर आप जो देखिए तो कर रहा है जैसे अगर आप इसके अलावा इन क्वेश्चन को नहीं चाहते जो क्वेश्चन आपके माइंड में फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि यार इसको मैं क्या करूँ इस वाली जो वीडियो का जो मेरा है ना इसको समराइज कर क्योंकि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस वीडियो ठीक है तो इसके क्या है इस वीडियो के मुख्य सारांश ये है तो ये सारी चीज़ों के बारे में जिन लोग उन्होंने जो इस वीडियो में पढ़ाया होगा जो हम वीडियो नहीं देख सकते तो हम बड़े बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली ब्रीफली क्या कर सकते हैं ब्रीफली हम इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली हम इसको क्या कर सकते हैं वहाँ से ले सकते हैं और उसको कॉपी करके हम किसी भी अपने लिखने में लिखने में इस वीडियो के कंटेंट का यूज कर सकते हैं ये कक्षा के कक्षा के व्यवस्थापन और सलाह दोनों के लिए परिपेक्ष में होना आवश्यक है साफ और स्पष्ट उपेक्षा आधारित व्यवस्था की नींव होती है सकारात्मक प्रोत्साहन और प्रशंसा छात्रों के विकास के संदर्भ संघर्ष में मदद करती है संघर्षों और सामाजिक मुद्दों का समय पर समझना और संसाधन करना महत्वपूर्ण है प्रतिभा और हर कोई अलग होता है इसलिए विभिन्न शिक्षण और तकनीकों का आप्यार्थ करना चाहिए थी ठीक है तो इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि जनरल ये क्या है एआई से जनरेटेड है तो आप इसको कॉपी करके यू कैन कॉपी करके आप वर्ड 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 पैड पे ले लो आप जहां भी आप कंफर्टेबल समझें आप ले सकते हैं और वहां पर इसको सही कर सकते हैं। तो अब इसमें देखा कैन यू अब ये कैन यू Can you generate कैन यू on this लाल ठीक है तो अभी क्या है? हमने कहा कि अभी तो आपने आपने कर लिया तो इसमें अब अब, अब क्योंकि अगर हम ये डालेंगे तो अब हिंदी में आएगा तो अब इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो आप अब क्या तो इंग्लिश में देखो ये लेसन प्लान क्या क्या इसमें कुछ डिस्कशन हुआ है तो ना लेसन प्लान के बारे में अब ये लेसन प्लान के लिए जनरल नॉलेज दे दी लेकिन आप किसके बारे में लेसन प्लान चाहते हैं क्या जब चाहते है ना तो पूरा डिस्कशन करके बता देगा देखिए लेसन प्लान के बारे में डिस्कशन कर दिया पूरा है ना वार्म अप है ना मटेरियल अब ये क्या किया ग्रेड लेवल हाई स्कूल टाइटल टाइटल क्लासरूम मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव क्लासरूम बस आपको यहाँ यह डाल देना है कि भाई हमें आ, क्या चाहिए मतलब किस तरह का चाहिए ना लाइक स्किल एजुकेशन गाइडेंस तो मेटेरियल तो अब इन्होंने जो क्लास के बारे में दिया है ना क्लासरूम मैनेजमेंट सॉरी ये जो लेसन प्लान क्रिएट किया है बेसिकली हमारा जो लेसन प्लान क्या क्लासरूम मैनेजमेंट एंड काउंसिलिंग पर किया है ठीक है ना क्लासरूम एंड मैनेजमेंट काउंसलिंग जो हमारा हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट काउंसलिंग के बारे में तो बात कर रहे हैं तो हमारा जो लेसन प्लान किससे होगा इससे रिलेटेड होगा ठीक है ना तो हमारा क्या वीडियो दीडियो क्लास रूम मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग बाई द प्रोफेसर इतने एनकरेजिंग उन्होंने कहा कि ये इनकी वीडियो को भी आप दिखा दिखा सकते हैं ग्रुप डिस्कशन ये ये कर सकते हैं एप्लीकेशन एक्टिविटीज सेवन मिनट्स में होगी ठीक है ना रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ द कंसिडरेशन इतनी में होगा है ना असेसमेंट ऑफ इतने में होगा तो अब हम इससे कहते हैं कि ठीक है आपने ये तो कर दिया तो तो क्या कर दें दे provide me some with... तो इससे रिलेटेड आपका क्या कर देगा वो आपको एम सी क्यू प्रोवाइड कर देगा ठीक है एमसी क्यू प्रोवाइड कर ले कर कर देगा तो विद आंसर आपको एनसीक्यू प्रोवाइड दिया है ना तो सारी चीज आपको प्रोवाइड कर देगा है ना वार द रोल प्ले प्लेन मॉडर्न क्लास रूम मैनेजमेंट ठीक है आप अपने इस पर किया गया तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा आपको है ना आपने इसके अलावा कोई सा भी क्लास का आपने क्लास के क्लास में जो भी आपको इससे क्लासरूम मैनेजमेंट काउंसलिंग से पढ़ाना है वो सारी चीजें दे जो भी वीडियो आप यहाँ पर डालेंगे जो भी वीडियो करेंगे तो वो क्या कर देगा वो आपका वो क्या कर देगा आपको आंसर दे देगा फटाफट -फड़, ए टूल्स की मदद से ठीक है ना ए टूल्स की मदद से क्या कर देगा वो आंसर दे सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानना चाहते तो कैन यू कैन यू एक्सपेंड देगा? कि आपको ये देखिए कितना छोटे छोटे प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूं ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो बता देगा आपको पूरा पूरा कुछ बता देगा सारा किस तरह करना है कैसे करना है डाटा विज रिपोर्टिंग और ये सारी चीजों को आपको कर देगा व्हाट आर द स्टेट कैन द टीचर यूज द फोर्ट ऑफ पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हाउ कैन एजुकेटर्स क्रिएट द सपोर्टिव इन्वायरमेंट मेंटल हेल्थ नीड्स ठीक है ना तो व्हाट आर द जैसे कि आपने कहा कि आप ऐसे करो कि यार इसके जो मेरा ये टॉपिक है जिसपे हम लोग डिस्कशन uh, कर रहे हैं तो कैन यू कैन यू राइट रिसर्च आउटलाइन ऑन दिस तो अब ये क्या गया रिसर्च आउटलाइन विम्स तो वो क्या कर देगा आपको पूरा सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर देगा सारी कुछ चीज दे देगा आपको जो भी आप अगर आप यहाँ पर चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं ना तो वो पूरा देखिए आपको एक एक चीज के बारे में एक 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 क्या कहते हैं जो आपका रिसर्च out आउटलाइन है वो पूरी रिसर्च आउटलाइन आपको क्या कर दी वो पूरी इंट्रोडक्शन दे दिया बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंट्रीगेशन ऑब्जेक्टिव लिटरेचर रिव्यू ठीक है ना हम लोग उससे सर्च करते हैं तब भी ऐसे आता है मैथोलॉजी क्या है है रिसर्च डिजाइन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड डाटा कलेक्शन मेथड सर्वे इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन सैम्पलिंग अप्रोच ठीक है ना डाटा एनालिसिस टेक्निक थेमेटिक एनालिसिस स्टडिकल एनालिसिस है ना रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स प्रेजेंटेशन एंड एनालाइसिस ऑफ अब ठीक है अब हमने कहा ठीक है चलो ये तो ठीक चीज है आप कैन यू अब कैन यू कैन यू राइट ए राइट ए प्रेजेंटेशन अब आपने क्या कहा भाई बहुत बहुत शॉर्ट में हमने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं बहुत शॉर्ट में कैन कैन यू यू प्रेजेंटेशन तो ये देगा आपको प्रेजेंटेशन बता देगा कि आपको क्या प्रेजेंटेशन हो सकता है इस टॉपिक पे कैसे हो सकता है तो देखिए पूरा प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दिया आपको पूरा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दिया कि क्या, क्या आ, बेसिक अब इसमें आकर आप करते दे ठीक है तो अब ये क्या पूरा प्रजेंटेश आपको दे दिया, एक में पूरी बना दिया आपको। तो ये तो बहुत अमेजिंग चीज है ना कि एक वीडियो से आप इतने आपके जो मन में क्वेश्चन है ना जो चीज आप चाहते हैं जो चीज आप आ, करना चाहते हैं लेसन प्लान चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं साइड टाइटल ये प्रेजेंटेशन नेम एंड इंट्रोडक्शन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ठीक है डिस्कस ऑफ द इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी ये पूरा बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी क्लासरूम मैनेजमेंट इस सारी चीजों को आपको डिस्कस करना है ठीक है ना और डिस्कस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं इससे भी मदद ले सकते हैं ठीक है अब आपने कहा कि ये वाला क्वेश्चन कोई जैसे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन लग रहा है आपको लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप यू कैन आस्क डिस्कस हाउ टू रॉल ऑब्जर्व तो कर देगा आपको क्या कर देगा पूरा डिस्कस करके डिस्कस कर देगा पूरा कर दिया पूरा डि, पूरा डिस्कस कर दिया आपको ना बेहतरीन सर बहुत मजा आ रहा थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच तो ये सारी चीजों को डिस्कस कर दिया पूरा उसने बता दिया जो भी ना समराइज कर दिया और वो जो हमने पूछा था जिस डिस्कस जिस क्वेश्चंस के बारे में The role of technology in promoting research based institutions of the practice in the significant and transformative with the integration of the technology educators have the access to any added to the tools of the resource and support evidences. Based teaching method and enhance students learning outcome here are the several ways in which technology play the crucial role in the promoting research based is instructions practice access the. ठीक है ना ठीक है तो अब हम इस अब हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया ठीक है ना तो अब हमने क्या किया हाउ कैन द टीचर इफेक्टिवली हैंडल द चैलेंज बिहेवियर इन द क्लास रूम भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है अगर हम इसके बारे में चाहते हैं तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा तो आप चाहते हैं व्हाट इज द स्ट्रेटोजी कैन यू अप्लाई इन द क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवाइट स्कूल इसके बारे में भी बता देगा हाउ कैन एजुकेटर सपोर्ट द स्टूडेंट इमोशनल वेल तो आपको क्या कर देगा देखिए इसके बारे में भी बता देगा हाउ कैन द एजुकेटर ठीक है ना अब हमने कहा कि चलो ठीक है ये तो बहुत सारे लोग हैं जो जो हिंदी में नहीं इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे कोई बच्चे होंगे तो हमने कह हम कह देंगे इससे कि यार ये जो ना ट्रांसलेट ठीक है ना ठीक है तो क्या करना है तो देखो ये ट्रांसलेट करता है नहीं करता है ठीक है पूरा जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसको ट्रांसलेट कर दिया तुमने सारा बता दिया आपको हिंदी में भी ठीक है ना सारा हिंदी में भी बता दिया आपको अंग्रेजी में भी बता दिया और जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अभी मैं दूसरी कोई और लैंग्वेज में भी आपको आप बताता हूँ कहता हूँ करता है नहीं करता है ये क्या करता है कि सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना तो ये तो काइंडली ट्रांस लेट इन। तो क्या कर देगा देखो ये क्या कर देगा उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा पूरा सर ये वीडियो का ऐसे ही कोई ई बुक का लिंक जो इंग्लिश में है हिंदी में यहाँ भेज करके कर सकता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर है सर इससे तो इससे तो नहीं है दूसरे तो और ज्यादा सॉफ्टवेयर है उससे हम कर सकते हैं ठीक है ना तो वो हिंदी और इंग्लिश में पीडिया सब हो जाता है सर उसके लिए बहुत सीखना पड़ता है इसका लेसन प्लान भी सर ये वीडियो जैसे ही ई बुक का लिंक जो इंग्लिश में हिंदी में यहाँ टेक्स्ट प्राप्त कर सकते हैं उसका लेसन प्लान भी ठीक है तो देखिए एक दूसरी भाषा में जो भी भाषा में आप चाहेंगे ना वो ट्रांसलेट भी कर देगा तो ये ट्रांसलेटर का भी काम कर रहा है ये आपके इंडिविजुअल लर्निंग का भी काम कर रहा है आपके असेसमेंट का भी काम कर रहा है ठीक है ना आप देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपको किसी भी मतलब जैसे कि पेरेंट्स को कोई ईमेल करना है तो क्या करना है काइंडली इनफॉर्म ठीक है ना इन क्या है लिखा स्टूडेंट राजू पेरेंट्स अबाउट हिज परफॉर्मेंस इज नॉट गुड इन इन द क्लास राइट ए मेल ठीक है ना तो अब वो क्या कर देगा आपको राइट ए एमेल लेकिन ये उर्दू में दे देगा तो देखिए पूरा ई मेल उन्होंने ड्राफ्ट करके दे दिया आपको क्या ड्राफ्ट करके दे दिया सब्जेक्ट कंसर्न रिगार्डिंग राजूज क्लासरूम परफॉर्मेंस डियर मिस्टर एंड मिसेस ये भी जो भी लास्ट नेम i hope this mail find you the good health i am writing to the discuss, discuss some concern regarding raju performance in the classroom as the as his teacher we have the notice that he is not performing of the ex, expected level and wanted to the bring bring this matter to your attention raju's academic performance has been inconsistent lately he seems he he seems to be the style of the keeping up with the lesson and is having the difficult understand certain concept. This has resulted in the decline in the overall grade class participant. We we believe it is a crucial to to address the, this concern early on. The support Rajud Academic Growth. We would appreciate your cooperation in the identify to the root causes behind the difficulty it's may be helpful to schedule meeting discuss the performance in the one detail of the explore potential strategies and improving his learning experience in in the meantime we encourage you uh, to you engage the open communication with the raju at the home encouraging him to the share the thought, answer the question and can help us the better understand and understand and address his needs it would be also the beneficial to the career, the conductive learning environment at the home, free from the former distractions where Raju can focus on his study. We want to assure that the you are that we are the committed to Raju's success and well-being. We will work closely with the both him and you provide the necessary support to the guidance required to the improvement, his classroom performance.

विद द हेल्प ऑफ द ए आई टूल जो आपके माइंड में है वीडियो से रिलेटेड है ये सारी चीज़ों को आपको क्या कर दिया आपको उसने प्रोवाइड कर कर दे दिया ठीक है ना तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज़ और ये है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना मैसेज लैब तो यहाँ पर क्या है जब आप कोई नया YouTube चैनल का लिंक करेंगे तो आप इससे आप इसकी लिमिट है आप बारह पूछ सकते हैं ठीक है ना बारह क्वेश्चंस के बारह आंसर को आप ले सकते हैं इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा अगर ज्यादा आपको यूज करना है तो आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा लेकिन लेकिन बहुत ज्यादा सही है आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें आपको इधर ऑलरेडी यहाँ पर यू माइट बी ऑल्सो लाइक आप क्या कर सकते हैं इनको भी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपने वर्ड इज द रिड्यूस मास्ट तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं वर्ल्ड है, तो ना तो इस, 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 इसका जिस तरह का उसका लिंक किया था फॉर एग्जाम्पल लेस एसिड माइंस लेस एसिडे माइंस पार्ट वो तो जो भी आपका मतलब रिलेटेड वीडियो है उससे क्या कर सकते हैं देखिए आप इसमें वो ऑटोमेटिकली वो तो नीचे से आ गया तो ये में ये क्या कह हैं समराइज एंड चैट अब जो भी आप इससे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिज्म हाइड्रोजन ब्रीफ बता दिया उसने है ना जो भी आपका एजुकेशन रिलेटेड है तो वो इसके बारे में आप यू कैन आस्क अब देखिए ये ना मैसेज लेफ्ट 15 तो ये 50 मैसेज को आप इससे आस्क कर सकते हैं जब ये खत्म हो जाएगा फिर दूसरे वीडियो से आप कर देना एक वीडियो से आप आप फिफ्टीन मैसेज फिफ्टीन मैसेज को क्या कर सकते हैं मैसेज मैसेज को ask, 15 को क्या कर, हैं? 15 को कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं आप सवालों को, ना? तो वो सवाल जिस तरह दे देंगे ठीक है ना आपने कहा ठीक है तो हाउ डज द रिड्यूस मास इम्पैक्ट हाइड्रोजन वो आपको बता देगा जैसे हमने बताया था कोई भी मतलब किसी भी उसके बारे में आपको बता देगा ठीक है ना तो अब इसके बारे में इसके बारे में आपने कहा कि यार जो हमारे पास जो वीडियो है ना इसको समराइज कर दो जरा ठीक है ना वीडियो को समराइज कर देगा पॉइंट्स में समराइज कर देगा बता देगा कि देखो ये चीज है इज द इफेक्टिवली क्रिएशन हाइड्रोजन पूरा सारा कुछ आपको ये क्या कर देगा ये आपको आपके फिंगर्स प्रिंट से आपको प्रोवाइड कर देगा वीडियो कोई भी हो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है बस उसको आप... इसका नाम क्या है इसका चैट ट्यूब चैट ट्यूब चैट यू डॉट ए आई ओ चोट चैट टूब डॉट आई आई ओ ठीक है ना सॉरी okay, तो okay. okay. बहुत अवेलेबल बहुत है कोई दिक्कत नहीं है मैंने अभी आपको चैट टी यू ट्यूब है ये जो लिख रहा है ना देखिए ये यू आर एल यू ऊपर आपको चैट ट्यूब, ट्यूब है आई ट्यूब है ओके ठीक है ना इसमें आप अपना लॉग इन कर सकते हैं और आराम से यू कैन वॉच मतलब आप कोई भी मतलब वीडियो का आप यू कैन फाइंड आउट द ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द दिस ये रियल टाइम चैट बोर्ड है और बहुत अच्छा काम करता है ये मतलब बहुत अच्छा काम करता है बहुत हेल्प करेगा आपके एजुकेशन के फील्ड में बहुत हेल्प करेगा चाहे आप रिसर्च में चाहे रिसर्च में करेगा चाहे आप जो स्कूल टीचर्स है उसमें ही करेगा जो आप क्लैरिटी चाहते हैं जो क्वेश्चन चाहते हैं आपने कहा कि अभी वीडियो में तो हम कैसे लें तो आप आपका टाइम बचाने के लिए आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ के वहां का सारा मैटर को यू कैन कॉपी इट एंड यू कैन यूज इट ठीक है ना यहाँ से कॉपी करके आप क्या कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कॉपी किया कॉपी करने के बाद हमने क्या किया कॉपी uh, करने के बाद हमारे हम पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल uh, कोई भी हम मतलब वर्ड वर्ड पैड पे जो भी जिस पे भी अगर हम चाहेंगे यू कैन यू so कैन इसको आप पेस्ट कर सकते हैं ना देखिए आपने देखो मैं बता दूं आपको आप मुझे वो एक मिनट मैं बता दूं किस तरह से पेस्ट होगा वो भी थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा जैसे कि हमने कोई भी कोई भी हमने क्या किया वर्ड का एक डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद डॉक्यूमेंट खोला हमने वहां से हम वहां से कॉपी कर चुके कॉपी <coughs> करने के लिए इतना तो नॉर्मली सब जानते कॉपी करने के लिए यू कैन न कंट्रोल वीर यू कैन पेस्ट इट वो जो हमने किया था वो सारी चीजें यहाँ पर यहाँ पर क्या बहुत यहाँ पर पेस्ट हो गई है ना पेस्ट हो गई ना हो गई तो ये सारी चीजें पेस्ट हो गई यहाँ पर तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कोई बात नहीं है आप आराम से कर सकते हैं जो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं है ना जैसे कि फॉर फॉर एग्जाम्पल हम उससे ही कहते हैं कोई न्यूमेरिकल यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं क्या व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉट्रोल सर्कुलेशन मोशन और एनर्जी सर्कुलेशन तो देखते हैं कोई ये क्वेश्चन या कोई फिजिक्स का साइंस से रिलेटेड हो तो कोई थोड़ा तो क्वेश्चन बता दे ऑप्शन है ना देख देख अब हम इससे कहते हैं व्हाट इज रेड्यूज मास व बस ये क्या देखो क्या कह रहा है रिड्यूस मास्क पे पूरे रेड्यूस मास्क के बारे में बता दिया उसने अब हमने कहा कि वो अगर आपको अजय जी अगर आपको चाहिए आपको क्या चाहिए ट्रांसलेट इन हिंदी तो आपको क्या कर देगा आपके क्वेश्चंस को ये क्या कर देगा हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो कुछ भी हो सारी चीजों को ये हिंदी में आपको कर देगा और हिंदी का भी यू कैन यू कैन क्या कर सकते हैं कॉपी करने के बाद आपने यहाँ 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 पर क्या कर दिया इसको यहाँ पेस्ट कर दिया ठीक है तो ये यूनिकोड होता है ठीक है यूनिकोड तो यूनिकोड होता है ये तो ये आपने यूनिकोड किया तो ये जो हमने वहां से वहां से वहां से किया था तो वहां से आ गया तो अब ये इस, इसको आप अपने मोबाइल से भी भेज सकते हैं सबसे भेज सकते हैं क्योंकि यूनिकोड है ना सारे सॉफ्टवेयर पर सपोर्ट करता है ठीक है ना तो इस तरह से हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं है ना सारी चीजों को कॉपी कर सकते हैं तो अब ये अब जैसे कि अजय जी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्होंने कहा था कि सर ये बताइए सर के वीडियो जैसे ही कोई ई e बुक को भी लिंक है जो इंग्लिश में है हिंदी में यहाँ टेक्स प्राप्त कर सकते हैं उसका कर... नहीं यहाँ एक्चुअली क्या ना देखिए जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है ना ये सिर्फ वीडियो को सपोर्ट करता है ठीक है ना उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आगे अब तो शायद होगा कोई एक दो सॉफ्टवेयर होगा हम बताएंगे अगर जैसे कि हमारे इन इस कोर्स में अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे हम कोई आ, कोई बुक ले ले आ, और उसका तो हम आपको ना एक सॉफ्टवेयर बता देंगे हमारे पास है बहुत सारे तो बहुत सारे उस पर जाके आप लिंक करके कर सकते हो ना वैसे इसमें है यदि बुक पेज का है जी सर तो ये सारी चीजों के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है इतना आसान नहीं इतना आसान आप समझ रहे हैं लेकिन मैं आपको बहुत सारे टेक्निक है मेरे पास मैं बता दूंगा आपको और और आप आर्टिकल जैसे जिस तरह से ये चैट चैट किए है ना इसी तरह से मतलब चैट बुक भी है है ना चैट पीडीएफ डी एफ भी है चैट पीडीएफ जाके आप कर सकते हैं ठीक है ना जैसे जैसे कि आप आ, आपने चैट मैं बता ही दे रहा हूं आपको चैट पी एक टूल है ठीक है ना तो ये क्या है ये फ्री टूल है ये देखिए ये खुल गया ये खुलने के बाद आपको करना है चैट पी चैट पी है तो आपने यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद ठीक है क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना जो भी क्या है देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर इसको आपकी आपकी जो भी फाइल है ना फाइल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फाइल है हमारे पास फाइल है ई बुक है हमने कहा कि ठीक है ये वाली फाइल लेते हैं हम फाइल कौन सी है बुक की ये नहीं है ठीक है अब हमने कहा कि ठीक है ये वाली फाइल ले लेते हैं चलिए मैं बता देता हूँ आपको आगे ठीक है तो अब ये क्या कह रहा है अब ये कह रहा है कि हमें यहाँ तो लॉग इन करना तो हमने कह रहा है हम अपने तो लॉग इन कर लेंगे कंटिन्यू एज ए भारत डिजिटल तो हमने कहा गया? हमने भारत डिजिटल कर लिया अब हमने हमने देखिए जो हमने यहाँ पर देखिए जो भी हमने वो किया है ना जो भी हमने बुक को यहाँ पर इंसर्ट किया वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई तो अब जिस तरह से हम आ, उससे वीडियो का क्वेश्चन पूछते हैं ना तो इस तरह से देखिए यहाँ पर पूरा व्हाट इज द एआई डिफरेंस टाइप हम यहाँ पर भी उससे क्या कर सकते हैं यू कैन यू कैन आज द क्वेश्चंस है ना यहाँ से पूछ सकते हैं देखिए फॉर एग्जांपल कैन कैन यू ट्रांसलेट तो अभी क्या कर देगा देखो बता देगा आपको ट्रांसलेट कर सकता नहीं कर सकता है श्योर sure. तो ठीक है ना तो हम क्या कर रहे हैं अब हमने कहा कि ट्रांसलेट तो कर सकता है ये लेकिन हमने ये नहीं कहा कि किस में ट्रांस है ट्रांसलेट हिंदी ठीक है तो आप कर दी आप क्या कर देगा वो आपको जो बताया है वो आपको क्या कर देगा देखिए पूरा हिंदी में ए आई उपकरण जैसे मशीन ये वो पूरा ये क्या, क्या, क्या किया है आपको आपको ये इसने इसने ये जो कंटेंट था आपका वो किया जो कंटेंट आप यहाँ से चाहते हैं वो कंटेंट आपका आ जाएगा वो आपको क्या कर देगा तो बुक है कोई सी भी है वो सारी चीजें बुक आपका यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये पूरी बुक आज जो भी बुक होगी जो कंटेंट होगा वो यहाँ पर आपका आपका आ जाएगा ठीक है तो आप इसको कर सकते हैं इसके इसके जो कंटेंट को एनालिस कर देते फॉर एग्जाम्पल आप इसको जैसे कि आपने ये सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद क्या आ गया ये तो पूरा सेलेक्ट कर लिया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और आपने कहा कि यार ये जो जो कंटेंट है ना कंटेंट है कंटेंट को क्या कर दो हमें रीराइट कर दो तो वो क्या कर देगा ना आपका जो कंटेंट है ना पूरा रीराइड कर दिया जो कंटेंट आपने दिया था ना तो रीराइड कर दिया आपने कहा कि इस पीडीएफ को इस पीडीएफ को क्या कर दो एक्सप्लेन कर दो तो वो एक्सप्लेन कर देगा आपने कहा कि ये जो ये जो टर्म है टर्म क्या है ए आई शेपिंग लर्निंग स्केप तो इसको क्या कर दो इसको हमें क्या कर दो और एक्सप्लेन कर दो तो वो और एक्सप्लेन कर देगा तो जब और एक्सप्लेन कर देगा ना किसी भी चीज़ को किसी भी चीज को और एक्सप्लेन कर देगा तो उसमें आप क्या करेंगे उसमें और एक्सप्लेन करने के बाद आप इसको इससे क्या दीजिएगा ट्रांसलेट इन हिंदी ठीक है ना तो क्या कर देगा ट्रांसलेट इन हिंदी आपको क्या कर देगा सारे जो आपका जो मैटर है उसको हिंदी में ट्रांसलेट या आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा पूरा ठीक है लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन जो पूछा है ना आपने तो आपको थोड़ा सा है ना अपनी जेब ढीली करना पड़ेगी क्योंकि तो चार सौ पेज की जब बुक होगी ना तो वो ये कहेगा कि आप क्या करिए अपग्रेड कीजिए इसको है ना आप क्या करना है आपको अपग्रेड करना है अपग्रेड अपग्रेड टू द प्लस जब प्लस पे अपग्रेड करेंगे आप तो ये कहेगा ये क्या कहेगा ये कहेगा कि आप इस पर क्या कीजिए इस पर पैसा दीजिए तो पैसा की क्या कहिए एनुअल है इसका तेईस सो तेईस सो दो, दो निन्यानवे पैसे और मंथली है तीन रुपए तो आप इसको क्या कर सकते देखिए दो हजार पेजेस पीडीएफ पचास पीडीएफ फोल्डर और बत्तीस एम पीडीएफ आप इस पे कर सकते हैं अगर आपने तीन सौ पच्चीस उनतीस रुपए एक महीने के दे दिए तो यू कैन क्या कर सकते हैं दो सौ पेजेस का चार सौ पेजेस तो बहुत मैं पचास पी फोल्डर एंड बत्तीस एम पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं यू कैन यूज इट ठीक है it, ना तो ये समझ में आ गया सारी चीज आपको आ, आपको समझ में आ गया जी सर तो अब अच्छा तो अब ये बताइए कि जो सर, सर. समझ में नहीं आ रही हो जो जो आपको क्वेश्चन पूछना हो क्योंकि अब क्लास क्लास इज ओवर ठीक है अब जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके डाउट्स हैं जो समझ नहीं आए आपके वो पूछ सकते हैं यस yes. सर यहाँ पे

खोलने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा जब आप ये खोलेंगे चैट डॉट कॉम समझ रहे हैं ना जी सर तो चैट डॉट कॉम जब खोलेंगे आप यहाँ पर आएगा ये वाला इंटरफेस जब इंटरफेस यहाँ आएगा तो आप यहां कर सकते हैं ड्रॉप पी डी एफ पर जब क्लिक करेंगे आप तो इसको चाहे ड्रॉप कर लीजिए वहां से या फिर अपने कंप्यूटर से यहाँ पर ठीक है सेलेक्ट करके कोई भी फाइल सेलेक्ट करके आप यहाँ से ठीक है कोई भी सा, फाइल सेलेक्ट कर देते जब फाइल सेलेक्ट होगी तो प्रोसेस होगा जब प्रोसेस होगा तो ये पूरा ये आपको देखो उसकी समरी दे देगा दे ठीक है ना उसकी समरी दे देगा दे दे जो आपका कंटेंट है ठीक है ना और कंटेंट पे जो चाह रहे हैं आप इस पे यहाँ पर कंटेंट पे पेस्ट करके पेस्ट अच्छा। करके रिराइट कर सकते हैं इसको समराइज कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है ना ये सारी चीज कर दे कॉपी टू इनपुट तो यार जो इनपुट को जो आपने वो किया है ना उस वाले इनपुट को कॉपी कर सकते हैं ठीक है यहाँ से आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज इट ठीक है ना तो सारी चीजें कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं आप ट्रांसलेट तो दिस content, तो कंटेंट कंटेंट वो सारे को ट्रांसलेट कर देगा जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे ना आप यहाँ पर लेकिन इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेड लिमिटेशन होगी ठीक है ना से क्या कर सकते हैं रीनेम चैट चैट का रीनेम कर सकते हैं जैसे कि चैट के बारे में आपको आपने कोई नाम नाम दिया है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये क्या है ये व्हाट इज द डिफरेंस टाइप ऑफ दू ये, ये देती है तो ये क्या हो गया ये चैट का नाम हो गया हमारा ठीक है ना और यहाँ से क्या कर सकते हैं जो भी जो हम हमने क्या है इसको हम क्या कर सकते है? इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं देखिए ये हमारा ये ये सारी चीज़ हमारी क्या हो गया यहाँ एक्सपोर्ट हो गई ठीक है एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसको आप कॉपी कर सकते हैं ठीक है ना यहाँ से आप कर क्या कर सकते हैं डिलीट चैट यहाँ से करते हैं रिसेट चैट रिस मतलब दोबारा इसको रिसेट कर सकते हैं जो भी आपके पास आपकी चैट होगी ठीक है ना तो ये ये चीज है

सर, यस मैम। पर ये बार बार हम ट्रांसलेट करते रहे हैं और फिर वो कॉपी करे तो वो भी प्लेजरिज्म ही हुआ ना सर? नहीं ये तो आज हमने एथिकल का जो क्लास मैम कराया था वो आपको इसलिए तो कराया ना ये आपकी आपकी अंतरात्मा अंतर आत्मा पर डिपेंड करता है आप प्लेजरिम, प्लेजरिम जब आप, जब आप करेंगे कोई इंटरनेट का तो ही. जब आप डिटेक्ट करेंगे, करेंगे तो वहां तो तो आएगा आएगा लेकिन प्लेज को प्लेजम को रिमूव करने के लिए और बहुत सारी टेक्निक है भाई आप इसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने ये कंटेंट यहाँ से लिया और से कंटेंट करने के बाद आप अगर रिसर्च कर रही हैं तो एज एड कंटेंट तो नहीं आप अपनी थीसिस में लिखेंगी आपको भी पता है प्लेजरम की प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसमें करना क्या है आपको इसके सेंटेंसेस को इसको थोड़ा सेंटेंसेस को पैराफ्रेज करना है थोड़ा कुछ सेंटेंसेस को रीराइट करना है तब कुछ सेंटेंसेस को रीराइट करेंगे आप तो आपका प्लेजरिज्म है ना वो खत्म हो जाएगा ठीक है ना तो प्लेजरिज्म क्या हो जाएगा वहां से रिमूव हो जाएगा और आप बहुत इजीली इस वाले कंटेंट को यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसे कंटेंट को कंटेंट को अगर आप कहेंगे कि कंटेंट को मैं एज एज इट कॉपी कर लूं तो ये ये अनएथिकल एक्ट होगा और अनएथिकल एक्ट तो भाई रिसर्च हो या किसी भी हो चाहे टीचिंग हो चाहे कोई प्रोफेशन कोई प्रोफेशन हो आपका अनएथिकल तो अनएथिकल होता है लेकिन चैट जीपीटी और जिस तरह से ए सॉफ्टवेयर है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं मिनटों में मतलब यह है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक रिसर्च पेपर लिखना है पर रिसर्च पेपर पर आपके दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही है आउटलाइन नहीं आ रही है मैं किस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखूं किसके बारे में लिखूं क्या लिखूं कैसे लिखूं, लिखूं तो यू कैन फाइंड आउट यार आप लिख सकते हैं कैन यू सजेस्ट मी समॉपिक फॉर द रिसर्च ऑन दिस टॉपिक तो वो आपको बहुत सारे टॉपिक प्रोवाइड कर देगा उससे आप कंटेंट ले लेना कंटेंट लेने के बाद आपको देखना ये कंटेंट में क्या दिया है इस कंटेंट में सही दिया है नहीं दिया है गलत दिया है और उसके कंटेंट को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी आपका सही होगा भाई एथिक ए, 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 एथिक जो आज हमने एथिक्स पढ़ा है तो वो एथिक्स तो यही कहता है ना ये तो ना कहता है कि एथिक्स आपने चैट जीपीटी या किसी से कॉपी किया और पेश किया कॉपी किया और पेश किया है ना तो ये सारी चीजें है तो इसको आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई आप जो कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं तो जो वो चीज़ कर रहे हैं आप उस पर आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यही एथिक्स है ये एथिक्स रिसर्च में हो चाहे क्लासरूम में हो जी मैम जी थैंक यू सर, सर मेरा एक क्वेश्चन और था जैसे अभी हमने टेक्स्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया सर और ट्रांसलेट कर लिए आ, हम को हम कोई रिसर्च रिसर्च पेपर पे कर रहे हैं तो क्या क्या यह रिव्यू रिव्यू उसका बना के दे देगा, क्या रिव्यू? दे दे देगा 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 वो एक्चुअली वो बेसिकली जो टूल बनाया गया है एआई टूल जिसके बारे में अभी हम अपने चैट बारे में बात किया था बेसिकली आपने एक रिसर्च पेपर वहां पर अपलोड किया और रिसर्च पेपर के बारे में पूछा कैन यू रिव्यू दिस रिसर्च पेपर तो वो कर देगा हाँ कर सकता है वो कर देगा या रिव्यू दिस रिसर्च पेपर वो रिसर्च पेपर कर देगा आप पूछेंगे क्वेश्चन कैन यू कैन यू जनरेट द टेन क्वेश्चन और दिस पे वो कर देगा आप कहेंगे क्वेश्चन आर बना दे एम सी क्यू बना दे आप, आप कहेंगे कि इसके रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दे वो प्रोवाइड कर देगा आपके साइटेशन साइटेशन प्रोवाइड प्रोवाइड कर दे, citation कर देगा देगा तो वो ईच एंड एवरी आपको प्रोवाइड कर देगा ठीक है ना तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप यूज कीजिए एक बार दो बार तीन बार यूज कीजिए जब यूज करेंगे ना तो ये जितनी भी एक्चुअली क्या ना जितनी भी आपकी जिज्ञासा है जितना आप, आपके दिमाग में माइंड में क्वेश्चन है ना वो सारे रिमूव हो जाएंगे जब आप यूज करेंगे तो एआई टूल्स में देखिए अब मैंने आपको चैट Uh, ट्यूब के बारे में बताया चैट ट्यूब तो एक ऐसा है जो सिर्फ मतलब वीडियो थिंग उसने आपने ईमेल भी लिखवा दिया उससे क्वेश्चन आंसर भी लिखवा लिए उससे आपने एमसीक्यू भी लिखा दिया उससे एक्सप्लेन भी करा दिया उसने रिसर्च की आउटलाइन भी बना के दे दी सब कुछ बना के दे दिया तो एआई का मतलब तो यही है ना एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब इसमें इन्वॉल्व हो गया तो यू कैन गेट ईच एंड एवरी स्पेशलाइजेशन होता है हर टूल का आपने एक स्पेशलाइजेश स्पेशलाइजेशन होता है ट्यूब चैट में स्पेशलाइजेशन है कि वीडियो से आप उसके कंटेंट को ले सकते हैं उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैट पीडीएफ का मतलब है कि आप अपनी कोई भी पीडीएफ को उसमें अपलोड करने के बाद यू कैन डू उससे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो जो आपने जो आपने इनपुट किया है उसका सारा क्वेश्चन आप जो भी चाहे आप पूछ सकते हैं ठीक है सर जी सर एक निवेदन बस और है सर जी बस मतलब तो, तो, वो, वो अगर वो, वो प्लेगरिज्म वाला ना बहुत बेहसर लंबा टॉपिक है अगर हम उसको इसमें इंक्लूड कर देना तो थोड़ा तो तो ज्यादा और हो जाता है उसके लिए हम अलग से वो कर देंगे अलग से ना दो दिन का या तीन दिन का ही वर्कशॉप कर देंगे तो वो अटेंड कर लीजिएगा आप हो जाएगा उसमें है ना जी बोला तो था देखिए प्लेजरिज्म का जो मैं बता दूं आपको रिमूव करने का तरीका अभी जो मैडम ने पूछा था तो मैंने जो बताया आपको आपको अपने लिटरेचर का लिटरेचर का पैराफ्रेजिंग करनी है उसके सेंटेंसेस को बदलना है उसकी लैंग्वेज को बदलना है तभी आप उसके प्लेजरिज्म को रिमूव कर पाएंगे भाई फॉर एग्जांपल आपने कहा अर्थ इज राउंड तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है है ना मून है अर्थ है ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो प्लेज में आते हैं लेकिन वो कुछ रिलैक्सेशन uh, 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 मिलता है उस पर लेकिन आपने कोई कंटेंट को चैट जीपीटी से लिया और लेने के बाद उसकी पैराफ्रेशिंग की मैंने कहा ना एआई तो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि जब तक आपका ह्यूमन टच नहीं होगा ए आई के साथ आप मैं मतलब मतलब कहने का मतलब है कि पूरी तरह से अगर आप ए आई पर डिपेंड होंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और बहुत सारी आपके लिटरेचर में मिस्टेक होंगी तो इसलिए ए आई की आप मदद लीजिए ए आई से कंटेंट लीजिए उसको एनालाइज कीजिए उसको रिफ्रेशिंग कीजिए मतलब प्लेयरिज्म का रिफ्रेशिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो रिमूवल का वो है ना कि आपको अपने पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा अपने लिटरेचर को अपने रीराइट करना पड़ेगा पैराफ्रेज करना पड़ेगा तो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है ना उसके बारे में फिर हम आपको बता देंगे उसके प्ले का हा है इसमें है एक टूल है हमारे पास ठीक है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपको जी आ, जी जीरो जीरो चैट के नाम से है कोई टूल हमने दिया देख लेना आप उसमें है कोई हम करेंगे उसको है कैसे करते हैं क्या करते हैं तो उसी में हम आपका आप पूछ लीजिएगा उसी में हम थोड़ा सा आपको बता देंगे है ना जी जी सर जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर और सर एनी क्वेश्चन एनीथिंग एल्स कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं अदरवाइज भी एंडेटेड और अब जो हमारा अगला जो क्लास है वो फ्राइडे सैटरडे संडे है ना फ्राइडे सैटरडे का डेट क्या है भी? तो फ्राइडे की जो भी डेट होगी कमिंग फ्राइडे सैटरडे संडे है ना फ्राइडे सैटरडे संडे होगा ठीक है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फिफ्थ को ठीक है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ को होगा फिर उसका नेक्स्ट है मार्च में दो यानी मार्च में होगा एक दो तीन मार्च होगा उसके बाद मार्च होगा ठीक है ना तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा तीन दिन कंप्लीट हो गया तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक कुछ असाइनमेंट में आपको उस असाइनमेंट में हम मैं अभी आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे भेजूंगा तो जब अगले क्लास में आप आएंगे ना तो उन असाइनमेंट को थोड़ा तो सा तो तो करके लाइएगा ना जो भी आप कर सकते ये नहीं है आप ये नहीं है कि कि आप लोगों ने किया नहीं तो करना करना ज़रूरी है कर लीजिएगा क्योंकि करने से ना आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जब तक आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे तभी तो एग्ज़ाम्स होते हैं एग्जाम्स क्यों कराते हैं लोग इसीलिए तो ईजीलिए तो एग्ज़ाम्स होते हैं अगर एग्ज़ाम का सिस्टम नहीं होता तो लोगों का इतनी नॉलेज होती है पढ़ लिया खत्म कर दिया ऐसा होता एक डिग्री के लिए एग्जाम और एक वैसे ही एग्जाम तो है ना इसमें बहुत फर्क होता है तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा है ना पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पढ़ने के लिए कि मैंने आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना भारत डिजिटल अकेडमी का मैंने वहाँ पर तीनों तीनों दिन की वीडियो मैंने वहाँ पर डाल दी अपलोड कर दी है तो, तो उन वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आएंगे ना इसी में से ही आएँगे जो सिलेबस हमने पढ़ाया है ना जो सारे क्वेश्चन आएंगे ना असाइनमेंट के वो सारे इसी में से ही आएंगे तो एक दो असाइनमेंट आप लिख दीजिएगा प्रैक्टिकल टाइप का असाइनमेंट है है ना वो हम लोग आपको थोड़ा सा दे, दे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ज़्यादा लॉन्ग और लेंथी नहीं देंगे है ना तो आई थिंक ओके हम लोग फिर आ, मिलते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे फ्राइडे ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेब को मिलते हैं ठीक है थीके? तो आप लोगों का अगर कोई और क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क है ना कोई ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है जिसको जो थोड़ा सा हिंदी समझने में प्रॉब्लम कोई ऐसे कैंडिडेट है जिसको हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो समझ नहीं पा रहे हैं हिंदी है ना तो आई थिंक सभी लोग ऐसे हैं जो लोग हिंदी समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी है जी सर बहुत धन्यवाद सर बहुत अच्छा लग रहा है सभी ओके थैंक यू वेरी मच अजय आपका आपका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं आपको सर आ, आप, आप कहाँ राच, से है सर आप से सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से किसी को क्या टीचर है क्या अच्छा लाइब्रेरियन है आपको लाइब्रेरियन है, है, आप, है गुड है तभी आपके पास किताबों का इतना जखीरा रहता है इसीलिए आपको पूछना चाहिए सवाल जो क्वेश्चंस है ना उनके होना चाहिए माइंड में ना बहुत सारी चीजें हैं अभी अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना फिर बाद में जब यूज करते ना तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अरे साहब ये कैसे होता था ये क्या हुआ ये क्या हुआ कहते जैसे अभी एक मैडम ने पूछा कि जब हमने शुरू से बताया हम उनको कि चैट ट्यूब क्या होता है लॉग करके तो लेकिन समझ में नहीं लेकिन, लेकिन लास्ट में उनको बताया यार या ये काम का टूल है तो हम इसके बारे में पूछते हैं तो फिर मैम ने पूछा कि हाँ इसके बारे में क्या तो इसलिए कभी कभी होता है ना इंसान को बाद में समझ में आता है कि यार ये इसके इसके बारे में मुझे जानना चाहिए था है ना लेकिन जब तक क्या होता है तब तक फिर टाइम निकल जाता है टाइम निकल जाता है तो फिर तो इसीलिए लिए फिर ठीक है सर तो और कोई क्वेश्चन तो नहीं है तो फिर हम लोग एंड करें इसको है ना है ना तो थैंक यू वेरी मच अवरीबन हम लोग अगले अगले हफ्ते पढ़ाएंगे जो जो आपको सिलेबस दे दिया गया है है ना सिलेबस तो आपको बता दिया गया है तो सिलेबस के अलावा मैंने उस पर भी कर दिया है ठीक है ना तो हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे जो हमारा जो हमारे टॉपिक्स हैं ना तो तीन टॉपिक्स हैं जो जो नेक्स्ट वीक के तो नेक्स्ट वीक के तीन टॉपिक क्या है तो समराइज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको है ना तो उसमें फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये देखिए ये क्या है आ, वीक टू वीक टू में क्या क्या है वीक टू में ना यूजिंग ए आई टूल फॉर पर्सनलाइज लर्निंग तो अभी हमने पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में क्या किया बहुत शॉर्ट से पढ़ा है लेकिन हम क्या करेंगे फिर पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे ना यूजिंग ए आई इन स्टूडेंट नीड्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ए आई टूल्स ठीक है ना टीचिंग एंड लर्निंग वो तो खैर है उसके बाद क्रिएटिंग पर्सनलाइज लर्निंग प्लान ठीक है ना उसके बाद यूजिंग ए आई प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट यूजिंग ए आई थ्रू डिफ्रेंशिएशन इंस्ट्रक्शन तो वो सारी चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल से और अच्छी तरीके से समझेंगे ठीक है ना और और वीक थ्री वीक थ्री में रहा वीक थ्री का पूरा जो सेशन है वो चैट जीपीटी पर होगा चैट जीपीटी के हर एक चीज को बारीकी को हम समझेंगे ठीक है जैमनी एआई जेमनी बहुत सारी चीज है हम लोग समझ लेंगे ठीक है ओके इट्स क्लियर जी सर बाई स थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू एवरी